288 से 660 पे आप जा रहे हो तो दोस्त इतना बड़ा इंक्रीमेंट तो मतलब अकल्पनीय है। और टेस्टों का स्कोर भी आपका 634 था तो पूरी साल एक अच्छा एवरेज था। दंगल का स्कोर आपका 652 है, बड़ा के 660 आपने किया है। वैभव प्रजापति आप हैं, 10 से लेकर अब तक की पूरी जर्नी बताएं माइक मुंह के पास करते हुए। सबसे पहले तो मैं बोस और पूरे सियासी परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जब मैंने 11-12 स्कूलिंग से की थी, कोरोना आ गया बीच में। कहां से की, बस्सी से? नो सर, सीकर से की थी, एपीएस स्कूल से। अच्छा उड़ा जी, वो तो हमारा स्कूल है, वहां से की थी सर, पर वो कोरोना आ गया तो पूरा वो साल। मैं यहां उड़ा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, रघुवीर उड़ा जी, महावीर उड़ा जी को, कि एक आपने नायब हीरा में दिया जिसको हम पॉलिश करके डायमंड बना पाए इसको। इसरो पूरा साल 11-12 बेकार हो गया, तो सर फिर 12th के बाद में मेरे भैया डॉक्टर है एसएन जोधपुर से, सर आपसे मिलके भी आए थे। क्या नाम? सोमेंद्र भी। आज सोमेंद्र जी बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उन्होंने फिर मेरे को सीएससी वाले ने बताया, तो सर पिछली बार नीट से पहले मैं यहाँ आ गया था, जुलाई में आ गया था। नीट से पहले आ गया था, फर्स्ट बैच में आ गया था। ये फ्रेशर आप इस साल? हाँ, पहले चांस पे आपके 670 मार्क्स है। हाँ, वो 12th के साथ है, 288। क्या बात है, मतलब स्कूल में मात्र 288 नंबर थे, स्कूल पढ़े हुए हैं और एक ड्रॉप लेके आप सर 60 प्लीज कंटिन्यू करिए बात अपने। तो बॉस ने मुझे, वो भैया ने मुझे बॉस से मिलाया, तो फिर बॉस का सहयोग मिला। बॉस ने हमें वो सीएससी की टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन है उसमें, मतलब टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि एक दिन में आपको एक टारगेट मिलता है कि आपको मतलब आज इतना करना है, करना है इतना। तो सर वो 3-4 बार वो सिलेबस ही बदल जाता है। और सर मैंने पिछले मतलब 12th के बाद में कई आज जिस टॉपिक था पढ़े हुए नहीं थे बिल्कुल, मतलब सब कुछ मैंने इस साल ही किया है। क्या रहता था? बी बिल्डिंग क्या बात है, बी बिल्डिंग में। और सर वो डाउट वगैरह सर वहीं क्लियर हो गया। और कोई मैसेज? और सर सीएलसी का कैंप, सर वो बी बिल्डिंग में शुरू में कैंप लगता था, तो सर वहाँ 10-20 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करने का मैसेज लगता है कि सर एक बार रेस्ट ले लें, रेस्ट कर ले। तो सर फिर यहाँ सीएलसी में कैंप आने के बाद कैंपस में कैंप लगने लगा, तो वहाँ पर रेगुलर कर दिया, कंपल्सरी कर दिया बी बिल्डिंग का। तो सर वो रेगुलरिटी बन गई सर, वो 2-3 महीने रेगुलरिटी बनी रही, तो